करते हैं रियल एंड कॉम्प्लेक्स की नेक्स्ट वीडियो। इससे पहले हमारी एक वीडियो आ चुकी है जिसमें कि हमने फर्स्ट चैप्टर जो कि हमारा जेकोबियन का है उसका हमने थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था कि जेकोबियन क्या होता है, उसके बेस पे कुछ एग्जांपल्स किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको देख लेना, देन इस वीडियो पे आना। आज की इस वीडियो में हम उसकी कुछ थ्योरम्स करने वाले हैं, अगर आपको बेसिक क्लियर होगा तब आप इन थ्योरम्स को समझ पाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे पास दो तीन छोटी छोटी थ्योरम्स हैं जिससे कि हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, तो देखते हैं क्या है इन थ्योरम्स के अंदर। फर्स्ट थ्योरम हमें क्या कहती है, इफ़ अ फंक्शन, अगर हमारे पास फंक्शन है, बहुत सारे फंक्शंस है, एक फंक्शन नहीं है, u1 u2 un आर ऑफ द फॉर्म्स, किस तरह के दिए हुए हैं, u1 इज़ द फंक्शन ऑफ x1 ओनली, मतलब कि जो u1 फंक्शन है उसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल है, इस तरह से दे रखा है u1 इज इक्वल टू f1x1, u2 इज इक्वल टू f2, उसके अंदर दो वेरिएबल्स दे दिए x1 और x2, इसी तरह से u3 इस तरह से दे दिया f3, इसके अंदर तीन वेरिएबल्स दे दिया हमें, मतलब कि इन शॉर्ट हमारे पास एक एक वेरिएबल वो इंक्रीज करता जा रहा है। ठीक है, तो लास्ट हमारा क्या है, un, तो un आप समझ गए होंगे क्या आएगा, fn x1 x2 अप टू xn, इस तरह से हमें फंक्शंस गिवन है, वी हैव टू फाइंड इट्स जैकोबियन। अब देखो ऊपर भी हमारे पास n फंक्शंस हैं और वेरिएबल्स भी कितने हैं, n है, तो उसने जैकोबियन ही निकालने के लिए हमें कहा है, तो वी हैव टू फाइंड u1 u2 u3 un और नीचे वेरिएबल्स लिख दो x1 x2 x3 xn, ये हमें निकालना है। इनफैक्ट प्रूफ ही करना, तो वो प्रूफ तो अपने आप हो जाएगा। तो अब देखो कैसे करेंगे, जैसे कि हमने जैकोबियन का बिल्कुल बेसिक वाला फॉर्मूला किया था वही लगाना है अब हमें। तो यहाँ पे जैकोबियन कैसे निकालेंगे, पहले u1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, कर्ल u1 बाय कर्ल x1, देन u1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x2, कर्ल u1 बाय कर्ल x2, कर्ल u1, फिर x3 की बारी आएगी, एंड देन लास्ट हमारा वेरिएबल इसी तरह से चलता रहेगा, यहाँ पर डैश लगा देंगे, कर्ल u1 बाय कर्ल ऑफ xn ये आएगा। इसी तरह से हम सेकंड फंक्शन को करेंगे, यहाँ पर क्या आएगा, कर्ल u2 बाय कर्ल x1, कर्ल u2 बाय कर्ल x2, कर्ल u3 बाय कर्ल x3, कर्ल u2 बाय कर्ल xn, इसी तरह से हम चलते जाएंगे। ऐसे ही हम 3 के लिए काम करेंगे, फिर हम लास्ट वाले तक पहुंच जाएंगे, तो हम लास्ट वाला और लिख लेते हैं इसी तरह से, कर्ल un बाय कर्ल x1, कर्ल un बाय कर्ल x2, कर्ल un बाय कर्ल x3, एंड लास्ट में कर्ल un बाय कर्ल xn एंड इसका डिटरमिनेंट, इस तरह से आप डैश 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 लगा देना। ठीक है, आएगा। तो अब हमें इसका डिटरमिनेंट निकालना हो, कुछ नहीं करना, पहले तो ये देखो कि डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे। अब जब u1 के अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल है x1, तो उसका बाकी वेरिएबल्स के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, क्योंकि u1 के अंदर देखो x2 x3 xn है ही नहीं, तो उनका डेरिवेटिव्स करेंगे तो 0 ही होने वाला है, तो दैट मीन्स हमारे ये वाले सारे क्या हो जाएंगे, 0, सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव बचेगा। इसी तरह से u2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 और x2 कर सकते हैं, उसके बाद वाले वेरिएबल्स अवेलेबल है ही नहीं फंक्शन के अंदर, तो दैट मीन्स वो वाले भी हमारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो इसी तरह से हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये वाले हमारे सारे क्या हो गए, 0। ये हमारे हो गए 0। इसी तरह से नेक्स्ट में यहां पर हमारे पास फिर 0, ये तो गाइस u2 बाय कर्ल x2 भी बचेगा ना, ये 0 ये 0। इसी तरह से जो नेक्स्ट आएगा उसके अंदर कर्ल u3 बाय कर्ल x3 तक बचेगा, देन फिर सारे 0। इस तरह से हमारे पास है ना, जो ये डायगोनल वाले हैं ये बचे हुए हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, उससे ऊपर वाले सारे 0 हो गए, नीचे वाले नॉन 0 हैं, इस तरह से हमें मिलेगी। अब इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखो, ये किस तरह की मैट्रिक्स हमें दिख रही है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब हमें पता है डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी कि अगर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, अगर हमें उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, देन वी विल मल्टीप्लाई इट्स डायगोनल एलिमेंट्स।
सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि हम इसके डायगोनल्स के एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या आएगा, कर्ल यू बाय कर्ल एक्स वन। आप चाहो तो निकाल के भी देख सकते हो, यही आने वाला है। इसके मल्टीप्लाई कर्ल यू टू बाय कर्ल एक्स टू, कर्ल यू थ्री बाय कर्ल एक्स थ्री एंड अप टू सोन, कहाँ तक मल्टीप्लाई करनी है, कर्ल यू एन बाय कर्ल एक्स एन, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो काफ़ी आसान था, बस हमें जैकोबियन की बिल्कुल बेसिक वाली डेफिनेशन याद होनी चाहिए और डेरिवेटिव करने आने चाहिए, और कुछ नहीं था। नेक्स्ट थ्योरम देखो क्या है, नेक्स्ट थ्योरम में हमें दे रखा है कि u एंड v आर द फंक्शंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x एंड y, मतलब कि हमारे पास जो u एंड v हैं वो किसके फंक्शंस हैं, x एंड y के। ऐसे लिख सकते हैं u इज द फंक्शन ऑफ x एंड y एंड v इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ x एंड y, ऐसे ही गिवन है हमें, है ना। एंड x एंड y देमसेल्व्स आर द फंक्शंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स r एंड s। अब जो x और y है वो भी किसी के फंक्शन है, यहाँ पर मान लो 5 मान लिया r s और ये मान लो psi, this is also of r s, ऐसे होगा। then we have to prove क्या कि curl u by u v जैकोबियन निकालना है with respect to r s, this will equal to curl u v by curl of x y multiply by curl of x y by curl of r s। तो ये देखो इसमें हमने ना कुछ भी ऐसा वो नहीं है कि काफी खतरनाक की थ्योरम है, बिल्कुल आसान है। हमें सिर्फ क्या करना है, तीनों जैकोबियन निकालने हैं, दो की मल्टीप्लाई करके देखेंगे, थर्ड वाला अपने आप आ जाएगा, बस और कुछ नहीं करना। तो देखो u एंड v आर द फंक्शंस ऑफ x एंड y है ना, तो ये और ये तो आसानी से निकाल ही सकते हम, है ना। तो इसका इसको निकाल लो, ये क्या आएगा हमारे पास, कर्ल ऑफ यू वी बाय कर्ल ऑफ एक्स वाई, ये हम निकाल लेंगे। जैकोबियन का फॉर्मूला लगा देते हैं, यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, वी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये हमारे पास आ गया। इसी तरह से हम ये निकाल देंगे, चलो ये भी निकाल लेते हैं, कर्ल ऑफ एक्स कोमा वाई बाय कर्ल आर एस, जेको भी निकाल दो इसका भी, विद रिस्पेक्ट टू आर विद रिस्पेक्ट टू एस विद रिस्पेक्ट टू फिर आर और एस, ये आ गया, ये दो तो आ गए हमारे पास। ये हम निकाल के देखते हैं ये क्या आएगा, देखो यू वी का विद रिस्पेक्ट टू आर एस जेको भी निकालना है, तो पहले देखो वैसे तो ये आना चाहिए, इस तरह से लिखोगे ये बनेगा v by curl r और curl v by curl s, यही आना चाहिए ना ये वाला। लेकिन देखो u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और y पार्शियली निकाल सकते थे, बट u इज द फंक्शन ऑफ x एंड x इज द फंक्शन ऑफ r, u इज द फंक्शन ऑफ y एंड y इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ r, दैट मीन्स वी हैव टू यूज चेन रूल, है ना। ऐसे ही करते हैं कि एक फंक्शन से थर्ड वाले फंक्शन पे जाना तो बीच वाले का यूज करते थे हम, तो यहाँ पे अब हमें इनकी वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी कि कर्ल यू बाय कर्ल आर, कर्ल यू बाय कर्ल एस, कर्ल वी बाय कर्ल आर, कर्ल वी बाय कर्ल एस क्या आएंगे। तो हम निकाल के देखते हैं, जो हमारे पास कर्ल यू बाय कर्ल आर है विद द हेल्प ऑफ चेन रूल, अब यू के अंदर हमारे पास टू वेरिएबल्स हैं, जो टू वेरिएबल्स हैं वो आगे फर्दर आर के फंक्शंस हैं, तो हम क्या करते थे, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पहले x करो एंड देन x का विद रिस्पेक्ट टू r करेंगे, क्योंकि हमें r तक जाना है, देन हम u से y पे भी जाएंगे क्योंकि u में हमारे पास y भी है और y इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ r, ये भी दे रखा है, तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आएगा u का विद रिस्पेक्ट टू r विद द हेल्प ऑफ चेन रूल। इसी तरह से हम बाकी सभी के निकालते हैं, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s करो, फटाफट से लिख देते हैं सभी सेम ही है, कर्ल x बाय कर्ल s एंड प्लस कर्ल u बाय कर्ल y और यहां पर कर्ल y बाय कर्ल s,
इसी तरह से हम यहाँ पर जहाँ पे यू लिखा है उसके बाद वी वी लिख दोगे तो ये भी आ जाएगा, कर्ल वी बाय कर्ल आर क्या आ जाएगा यहाँ पर वी वी और वी लिख देना, और जब विद रिस्पेक्ट टू एस निकालना तो यहाँ पर वी वी लिख देना, ये आ जाएगा। अब हमें क्या दिखाना है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आना चाहिए, है ना। तो हम देखते हैं कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करने से क्या ये वाला आ रहा है या नहीं आ रहा, तो चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ये इधर लिख देते हैं और क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर हमारे पास x और इधर y, हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई ही करके दिखानी है ना। तो देखो इसके इसके साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं, इसके इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे ही करो जैसे हम यूजुअली मैट्रिक्स की करते हैं, इसके इसके साथ और इसके इसके साथ एडिशन। तो कर्ल यू बाय कर्ल एक्स, कर्ल एक्स बाय कर्ल आर प्लस कर्ल यू बाय कर्ल वाई और कर्ल वाई बाय कर्ल आर, ये आएगा, है ना। अब ये ध्यान से देख लो, ये वाला जो हमारी टर्म आई है ये यही है, ध्यान से देख लेना, सेम ही है ना। u का विद रिस्पेक्ट टू x, x का विद रिस्पेक्ट टू r, देन u का विद रिस्पेक्ट टू y, y का विद रिस्पेक्ट टू r, आगे। दैट मीन्स फर्स्ट टर्म हमारी यही आनी चाहिए थी, कर्ल u बाई कर्ल r। अब उसके बाद सेकेंड टर्म भी देखो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो u कर्ल u बाई कर्ल x बाई कर्ल s, यही वाली चीज आ रही है ना। इसी तरह से फिर इसकी इसके साथ करेंगे एंड देन एड करते हैं तो u का विद रिस्पेक्ट टू y एंड y का विद रिस्पेक्ट टू s, यही आ रहा है। तो यहाँ पर हमारी जो सेकेंड टर्म है वो भी यही आएगी, कर्ल u बाय कर्ल s। इसी तरह से जब आप इसके इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर कर्ल v बाय कर्ल r मिल जाएगा और इधर कर्ल v बाय कर्ल s मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे, काफी इजी थ्योरम है हमारे पास। इसी तरह से जो हमारी नेक्स्ट थ्योरम है उसमें क्या कह रखा है कि u इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड एक्स वाई इज द फंक्शन ऑफ यू एक्स यू वी, तो बिल्कुल है ना उसकी रेसिप्रोकल ही थ्योरम है, बिल्कुल हमने मतलब जैसे अभी किया है ऐसे ही करना है। बस यहाँ पे जहाँ पर r और s लिख रहे हैं ना, सारी जगह वापिस हमने क्या लिखना है, u एंड v, तो बिल्कुल सेम चलने वाली है। ये आपके लिए होमवर्क है, बड़े अच्छे से करना है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 10 करते हैं, काफी बड़ा एग्जाम्पल है, देखो। तो एग्जाम्पल नंबर 10 क्या कहता है, इसने कहा है कि x इज इक्वल टू आर कोस थीटा कोस फाइव, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाइव, नहीं आर साइन थीटा, और ये दिया है। देखने में ही भारी भरकम सा क्वेश्चन है, कैलकुलेशंस भी काफी सारी है, तो बड़े ध्यान से देखना इसका सॉल्यूशन। एंड z इज इक्वल टू r साइन फाई और स्क्वेयर रूट ऑफ वन माइनस एन स्क्वेयर और साइन स्क्वेयर थीटा, एंड साथ में हमें गिवन है एन स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर इज इक्वल टू वन, ये भी दे दिया। देन वी हैव टू फाइंड द जेकोबियन ऑफ R विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड आर थीटा फाइव। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि हमें प्रूव क्या करना है, आर स्क्वेयर कॉमन है बाहर, एम स्क्वेयर कोस स्क्वेयर फाइव प्लस एन स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा, एंड डिनोमिनेटर वन माइनस एम स्क्वेयर साइन स्क्वेयर फाइव और वन माइनस एम स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा होल रेस टू द पावर वन बाय टू, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले ना इसमें बस एक चीज ध्यान रखनी है हमें, समझ लो कि याद ही करनी है कि हमें ना एक बार ये निकाल के देख लेते हैं कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर क्या आएगा, उससे हमारा क्वेश्चन काफी इजी हो जाएगा, नहीं तो आपको सारे डेरिवेटिव्स निकालने पड़ेंगे। क्योंकि देखो इसका जेकोबियन निकालोगे तो इसका मतलब क्या है,
एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर, थीटा फाई, वाई का भी और जेड का भी। तो नौ हमें डेरिवेटिव्स निकालने हैं और फिर डिटर्मिनेंट भी निकाल लेंगे तो कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के चांस थोड़े इंक्रीज हो जाते हैं हमारे। तो हम क्या करेंगे, एक बार ये निकाल के देख लेते हैं कि जो एक्स स्क्वेयर है प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, ये टर्म क्या आने वाली है, बस ये याद रख लेना, अपना क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये निकाल के देखते हैं, इसका स्क्वेयरिंग करो सभी की, कोस स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर फाई। वैसे भी सभी में से आर स्क्वेयर तो बाहर आ ही जाएगा, सभी को साफ दिख भी रहा होगा आर है, तो इसको तो मैं बाहर ही रख लेती हूँ। इसका स्क्वेयर करो साइन स्क्वेयर थीटा वन माइनस एम स्क्वेयर साइन स्क्वेयर फाई। नेक्स्ट वन इज प्लस साइन स्क्वेयर फाई और वन माइनस एम स्क्वेयर, एन है यहां पर एम स्क्वेयर और साइन स्क्वेयर थीटा, ये है। तो चलो इनकी मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं, कुछ तो मिलेगा अंदर। देखो क्या बनेगा, आर स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर फाई, फिर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वेयर थीटा और प्लस ये लिखो पहले साइन स्क्वेयर फाई, ये बन गया। अब देखो यहाँ पर माइनस एन स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा साइन स्क्वेयर फाई माइनस ऑफ एन स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा साइन स्क्वेयर फाई। तो जो साइन स्क्वेयर थीटा है साइन स्क्वेयर फाई है वो कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेते हैं, एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा साइन स्क्वेयर फाई, ये बन गया। अब मैं ये वाला रिजल्ट यूज कर लो कि जो हमारे पास एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, वन है, तो उसको हम हटा सकते हैं। जो हमारे पास एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर आया हुआ है ना, तो इसको आप हटा दो, वन है इसकी वैल्यू, तो याद है। अब एक काम करो, या तो पूरे क्वेश्चन को साइन में लिख लो या पूरे क्वेश्चन को कोस में लगा लो ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी रह जाए। तो आपको पता है अगर साइन चेंज करना पड़ेगा तो तीन जगह करेंगे, कोस करना है सिर्फ यहाँ पर पुट करना है, तो कोस को हम यहाँ पर साइन में चेंज कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ ये सिंपल सी आइडेंटिटी, सभी को याद होती है ना, वन माइनस साइन स्क्वेयर फाइव एंड जो बाकी वाले है वो एज इट इज प्लस साइन स्क्वेयर थीटा साइन स्क्वेयर फाइव माइनस साइन स्क्वेयर थीटा साइन स्क्वेयर फाइव। तो आप यहां पर ध्यान से देखो, जब इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ इस वाली टर्म को देखना हमें, तो ये क्या बनेगा वन माइनस साइन स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर फाइव एंड माइनस माइनस प्लस प्लस साइन स्क्वेयर थीटा साइन स्क्वेयर फाइव। तो पीछे वालों को ध्यान से देख लो, ये सारे कैंसिल ही हो गए, वन बच गया, इससे ये कैंसिल, इस वाले से ये और इससे ये हमारे सारे कैंसिल हो गए, सिर्फ एक ये वन बच गया और इसके साथ में आर स्क्वेयर मल्टीप्लाई में है। तो डेट मीन्स इस पूरे का हमारा जो आंसर है वो क्या आ गया, आर स्क्वेयर आ गया। तो यहाँ पर अब हम इसका यूज करेंगे कि अगर हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर है तो हम इसका जैकोबियन में कैसे यूज कर सकते हैं। अब देखो जैकोबियन में हमें नो डेरिवेटिव चाहिए होते हैं ना, तो हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। अगर मैं इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा और फाई कर दूं तो कुछ ना कुछ आ जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू आर, विद रिस्पेक्ट टू आर करेंगे तो टू एक्स कर्ल एक्स बाय कर्ल आर, फिर इसी तरह से टू वाई कर्ल वाई बाय कर्ल आर, फिर टू जेड कर्ल जेड बाय कर्ल आर इज इक्वल टू टू आर। तो टू सब में कॉमन आ रहा है, टू को कैंसिल कर सकते हो आप, हटा दो, तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। उसके बाद देखो विद रिस्पेक्ट टू थीटा और फाई करोगे, विद रिस्पेक्ट टू थीटा करो तो वही आएगा टू एक्स कर्ल एक्स बाय कर्ल थीटा, टू वाई कर्ल वाई बाय कर्ल थीटा एंड टू जेड कर्ल जेड बाय कर्ल थीटा। अब यहां पर तो थीटा है ही नहीं, तो दैट मीन्स यहां पर हमारे पास जीरो हो जाएगा। अब टू कॉमन लो, जीरो की साइड भेज दो, तो दैट मीन्स हमारा जीरो टू खत्म हो जाएगा। सिमिलरली हम विद रिस्पेक्ट टू फाइव करेंगे तो आप समझ जाना यहाँ पर फाइव आ जाएगा, इसी तरह से ये आ गया हमारे पास, है ना। अब इनका हम यूज करेंगे इन जैकोबियन। अब इसका फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला क्या होता है जैकोबियन का, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर
थीटा 5, फिर वाई का विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा 5, जेड का विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा 5। या गया। अब इस वाले का यूज करना हमने इन तीन इक्वेशंस का, तो अब ध्यान से देखो, देखो जो फर्स्ट हमारी रो है उसके अंदर ये वाली चीजें हैं, है ना, सेकंड वाले में ये है एंड थर्ड वाले में ये है। तो हम क्या करेंगे इसका इस्तेमाल करने के लिए, हमें चाहिए फर्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई में एक्स, सेकंड वाले के साथ में वाई एंड थर्ड वाले के साथ में जेड, इस तरह से चाहिए। तो हम एक काम कर लेंगे, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। अगर किसी भी रो में कुछ मल्टीप्लाई करनी है तो बाहर भी करनी पड़ेगी और अंदर भी, तो दैट मीन्स हम एक काम करेंगे, इस फर्स्ट रो की एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक्स से ही डिवाइड कर देंगे, ये होता है रूल, इस तरह से कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम इसके अंदर ऑपरेशंस लगा सकते हैं कि इसकी वाई से मल्टीप्लाई कर दो इसकी जेड से एंड देन ऐड टू फर्स्ट में। तो हम इस तरह से ऑपरेशन लगा देंगे, आर वन इज इक्वल टू आर वन प्लस वाई इंटू आर टू जेड इंटू आर थ्री। बुक में यहाँ पर एक्स लिखा हुआ है, वैसे ऑपरेशन हम ऐसे लगाते नहीं है जैसे बुक में लिखा हुआ है, ऐसे लगाना, पहले मल्टीप्लाई डिवाइड करो देन ये वाला ऑपरेशन लगाना है हमें। अब इस ऑपरेशन से क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स कर्ल एक्स बाय कर्ल आर, फिर ये और फिर ये, पहले वाले में ये आ जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर ये इस तरह से टर्म बनने वाली है, देखो यहाँ पर लिख लेते हैं, एक्स कर्ल एक्स बाय कर्ल आर, वाई कर्ल वाई बाय कर्ल आर और जेड कर्ल जेड बाय कर्ल आर। तो हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो ये बन जाएगी, इसी तरह से जो सेकंड टर्म है एक्स कर्ल एक्स बाय कर्ल थीटा, फिर वाई कर्ल वाई बाय कर्ल थीटा और फिर जेड कर्ल जेड बाय कर्ल थीटा, एंड देन थर्ड रो में हमारे पास फाई आ जाएगा, इस तरह से बनेगा। सेकंड और थर्ड रो में कोई चेंज नहीं आने वाला क्योंकि ऑपरेशन सिर्फ फर्स्ट रो पे लगाया है। तो हम ध्यान से देखेंगे, ये वाला जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है, इसका आंसर क्या था, आर। सेकेंड वाली टर्म का आंसर जीरो, थर्ड वाली का भी आंसर जीरो, तो हम यहां पर लिख सकते हैं आर जीरो जीरो ऑपरेशन लगाने के बाद, आर जीरो जीरो इस तरह से। अब आप इसका जैकोबियन निकाल सकते हैं, अब इसको कैलकुलेट करेंगे, अब हमारे जो डेरिवेटिव है वो चार ही निकालने पड़ेंगे, नहीं तो पहले हमें नौ निकालने पड़ते, वो काफी टिपिकल हो जाता। तो देखो करते हैं, अब इसका डिटर्मिनेंट और निकाल दो, बाहर ना ये वन बाय एक्स भी रखना बड़े ध्यान से, ये गलती मत कर देना कहीं, इस वन बाय एक्स को भूल जाओ। तो इसको कैसे करेंगे, वन बाय एक्स डिटर्मिनेंट निकाल दो आर, इसकी मल्टीप्लाई के साथ कर्ल वाई बाय कर्ल थीटा, कर्ल जेड बाय कर्ल फाई माइनस कर्ल वाई बाय कर्ल फाई और कर्ल जेड बाय कर्ल थीटा, ये निकाल देते हैं। तो इस आर को तो बाहर ही रख लो एक्स के साथ, और इनका डेरिवेटिव निकाल देते हैं अभी, आर बाय एक्स, वाई का विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, आर कोस थीटा, ये एज इट इज। उसके बाद जेड का करो विद रिस्पेक्ट टू फाई, तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा इन टू आर, विद रिस्पेक्ट टू फाई करना तो कोस फाई, एंड ये वाली टर्म फिर एज इट इज, वन माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, देन माइनस, बीच में माइनस का साइन लगा दिया, y का विद रिस्पेक्ट टू फाई करना है, y का करो विद रिस्पेक्ट टू फाई, तो ये फर्स्ट टू टर्म तो पहले एज इट इज लिख दो। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे एक बार तो नीचे ऐसे आ जाएगा, और फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव कर दो, अंदर वाले का डेरिवेटिव करोगे माइनस टू एम स्क्वेयर साइन फाई कोस फाई, ये आएगा, सभी को डेरिवेटिव तो करना आता ही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, z का विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहां पर भी कुछ इसी तरह से फॉलो होगा, r sin phi as it is, अंदर वाले का डेरिवेटिव करो, पहले तो ये डिनोमिनेटर में आएगा और फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव माइनस टू एम स्क्वेयर साइन थीटा कोस थीटा, ये बन गया। चलो
ये आ गई हमारे पास टर्म। अब देखना, एक तो ये माइनस माइनस माइनस, तीन माइनस है तो माइनस बन जाएगा, ये आ गया। अच्छा यहाँ पर देखो आर 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 स्क्वेयर, यहाँ पर भी आर इंटू आर आर स्क्वेयर, तो ये कॉमन आ सकता है हमारा, आर स्क्वेयर बाहर आ जाएगा, ठीक है। और देखो कोस थीटा कोस फाई, यहाँ पर भी देखो कोस फाई कोस थीटा, तो कोस थीटा कोस फाई भी दोनों में है, तो ये भी बाहर निकाल लेते हैं। तो बाहर एक आर तो है ही, दो आर और निकाल रहे हैं, तो आर की पावर थ्री हो गई, एक्स बाहर ऐसे वैसे। उसके बाद हम क्या करेंगे, कोस थीटा कोस फाई भी कॉमन ले लिया, ये भी बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, और यहां पर देखो यहां पर ही कर लेते हैं ऊपर, समझ जाना आप, आर कोस थीटा बाहर आ गया, आर कोस फाई ये भी बाहर आ गया, ये भी आर बाहर आ गया हमारा, कोस फाई को भी हमने बाहर रख लिया, इसी तरह से आर ये कोस थीटा, ये सब हमारे बाहर आ गए, ये आप नीचे देख सकते हैं। अब देखना इसके मल्टीप्लाई इसके साथ, माइनस ये इसके साथ, ऐसे दे रखा है। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं, और क्या करेंगे, अब एलसीएम लोगे तो देखो इसका इसके साथ एलसीएम लोगे आप तो स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट का स्क्वायर हट जाएगा ना, तो ये इस तरह से लिख सकते हैं, वन माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, वन माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एलसीएम लोगे ये बन जाएगा, और ये वाली टर्म एज इट इज, इसमें क्या है हमारे पास, माइनस फोर एम स्क्वायर साइन थीटा साइन फाइव, साइन थीटा साइन फाइव, और तो नहीं है कुछ, यही है, और नीचे वाली ये टर्म एज इट इज, एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर के साथ तो फाइव है यहां पर, और यहां पर है वन माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह से होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, और तो क्या करेंगे, हमें देखो जो प्रूफ करना है उसी तरह का निकालना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखना। नीचे वाली टर्म तो आ गई, नीचे वाले को नहीं चेंज करेंगे हम, ये तो आ गया, एक बार देख लेते हैं सही भी चल रहे हैं नहीं, कहीं पूरा करने के बाद पता चले। अच्छा ये हमने ना जब डेरिवेटिव किया था तो साथ में टू भी आना था नीचे, वो चीज हमने ध्यान नहीं दी, तो ये हमारा फोर नहीं आएगा, इरेज करने से पहले जब हमने डेरिवेटिव किया था ना इसका, इस वाले का, तो वन बाई टू भी आता है, वो नहीं दिखा, वो काट लेना एक बार, तो ये हमारा यहाँ तक आ गए हम, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई कर लो इनकी, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आर की पावर थ्री कोस थीटा कोस फाइव बाय एक्स, और अंदर वाले में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वन माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एम स्क्वायर के साथ फाइव है और यहां पर थीटा, एम प्लस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाइव, और इसी तरह से ये माइनस में आएगा तो ये तो कैंसिल ही हो गए, सेम ही है ये तो, एंड डिनोमिनेटर वाली टर्म एज इट इज, ये एज इट इज लिख देना, रेस टू द पावर वन बाय टू तो है, अब इससे ये कैंसिल भी हो गया, चलो ये भी कैंसिल हुआ। अच्छा ये एक्स प्रॉब्लम कर रहा है, एक्स है नहीं आंसर में, तो एक्स की वैल्यू ही पुट कर लो ना, एक्स आर कोस थीटा कोस फाइव, तो यहाँ पर एक्स के प्लेस पर आर कोस थीटा कोस फाइव, तो यहां से आपको दिख रहा है ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगी, एक आर से एक आर भी कैंसिल हो जाएगा, बाहर तो बच गया आर स्क्वायर, और अंदर हमारे पास क्या बचा है, वन माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अभी ये बचा है नीचे वाली टर्म तो हमारी ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं करना हमें, तो यहां तक आ गए हम। अब देखो ऊपर ना हमें कोस चाहिए और आ रहा है साइन, तो क्यों ना हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा ले अपना, है ना, तो साइन स्क्वायर को चेंज कर सकते हो, नीचे वाला तो आप समझ रहे हैं साथ में चल रहा है वो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आर स्क्वायर भी आ गया, आर स्क्वायर भी चाहिए था, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वन माइनस
एन स्क्वेयर, तो यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वेयर 5 हो जाएगा, और माइनस एन स्क्वेयर यहाँ पर रख लो 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा। इस तरह से नीचे वाली टर्म एज इट इज है इज इक्वल टू, तो इस चीज को देख लेते हैं, 1 माइनस एम स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस एम स्क्वेयर कोस स्क्वेयर 5 माइनस एन स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस एन स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा, ये आ गया। अब देखना यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो, वापिस से वही रूल लगा देंगे, एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर 1 होता है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएंगे ना, क्योंकि एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर माइनस 1 आ जाएगा और ये प्लस का 1 है, तो हमारे पास यही बचना चाहिए था। देखो एम स्क्वेयर कोस स्क्वेयर 5 और एम स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा, नीचे वाली टर्म हमारी ऐसे केस थी। आई थिंक काफी लंबा क्वेश्चन है, अगर क्लियर ना हो तो एक बार और अच्छे से देख लेना इसी वीडियो को, आराम से देख लेना, फिर भी कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।